गाजियाबाद के मोदी नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पहचान और पता बदलकर एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच युवतियों से धोखाधड़ी करके शादी की। युवक पर यह आरोप किसी ने और ने नहीं बल्कि उसकी चौथी पत्नी ने लगाया। पीड़िता का नाम राखी है और वो जिला हापुड़ की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2019 में नकुल जयवंत से हुई थी और पीड़िता के परिवार की ओर से 7 लाख रुपए का दहेज दिया गया था। पीड़िता ने बताया कि उसके पति और परिवार वालों ने युवक की पहली 3 शादियों के बाद छिपाई थी, जबकि युवक पर दहेज और घरेलू हिंसा के साथ साथ तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। पीड़िता का कहना है कि मैंने अपने पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र भेजा, लेकिन मोदीनगर थाना प्रभारी ने कोर्ट का मामला बताते हुए थाने से टरका दिया। मेरे पति ने 5वीं शादी कर ली है और 14 नंबर की, उससे पहले 3 शादियां कर चुका है, झूठ बोल रहा है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और ये किराए पे रहता है, ये बात इसने मुझे छिपाई, किराए पे रहता था सी के लिए, और मैंने उसके घर से मिले थे वहां पर से उसे शादी कर गया, और मेरे को शादी मत का चला है वो, मेरे को सब घर के पड़े से शादी कर गया। तो मैंने पूछताछ करी लोगों से कितनी शादी हो रही थी, मुझे पता चला कि ये मुझे पहले 3 शादी कर चुका है, मुझे डिवोर्स भी नहीं हुआ, और उसके बाद मेरी 4वीं शादी थी, मैं सब मारपीट करते थे, दान दहेज मांगते थे, इसका जो भाई है बड़ा विनाश, वो वैसे बदतमीजी पर कदम करता रहता था। उसके बाद ये मेरे केस चला, हापुड़ में डाला है, अभी भी चला 2 साल हो गए लगभग, और उसके बावजूद कि भी ये इसकी तीसरी वाइफ है जो मुझसे पहले थी, और वो 4वें नंबर की हूँ, और ये सर्टिफिकेट है कोर्ट बेंच का जिससे डिवोर्स भी नहीं हुआ, ये देखिए मेरा। और उसके बाद में इसने मुझसे शादी कर लिया 2 कैसे